आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे विद न्यूज फ्रॉम द लैंड ऑफ पबजी मोबाइल। फिर जानेंगे कि आखिर क्यों हुआ मावी का अकाउंट बैन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे वैलोरेंट मोबाइल के अनाउंसमेंट के ऊपर, और फिर देखेंगे कि किस तरह बनी नोवा ईस्पोर्ट्स PEL 2021 सीजन 2 की चैंपियन। एंड इन द एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, नजर डालेंगे E3 में यूबीसॉफ्ट के एक बड़े अनाउंसमेंट के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, माय नेम इज वॉरेन जॉन एंड यू गाइस आर वॉचिंग ईस्पोर्ट्स 360। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली खबर के साथ, जो ये है कि पबजी मोबाइल ने एक बार फिर से अपना बैन हैमर चलाया और इस बार चीटिंग के रेडार में आए 8 लाख अकाउंट। नाउ चीटिंग इज समथिंग दैट्स अनअवॉइडेबल, चाहे डेवलपर्स कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीटिंग करने के नए नए तरीके ढूंढ के निकाल लेते हैं। और इस बार पबजी मोबाइल ने पिछले ही हफ्ते 8 लाख अकाउंट्स बैन करे हैं चीटिंग के लिए। अब उनके एंटी चीट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अकाउंट्स जो बैन हुए वो थे ब्रॉन्ज टीयर में, और सबसे कम अकाउंट्स बैन हुए कॉन्करर टीयर में। ऑटो एम, वॉल हैक्स, स्पीड हैक्स, कैरेक्टर मॉडल मॉडिफिकेशन स्टिल रिमेन सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज हैक्स इन द गेम। और बैन की बात करते हुए ही आगे बढ़े तो वी नो दैट रिसेंटली मावी गॉट हिज अकाउंट बैंड फॉर 24 आवर्स। अब 8-bit क्रिएटिव्स के कंटेंट क्रिएटर और फॉर्मर ऑरेंज रॉक के प्लेयर मावी का ये जो 24 घंटे का बैन है, ये उनकी स्ट्रीम के बीच में हुआ था। और स्पेकुलेशंस ये हैं कि ये बैन थर्ड पार्टी ऐप्स की वजह से हुआ है, लेकिन सेम इशू पर काफ़ी सारे प्लेयर्स को एक हफ्ते का बैन पड़ा है, सो वी आर नॉट एंटायरली श्योर व्हाट द एक्चुअल रीज़न इज। नेक्स्ट अप इज़ द अनाउंसमेंट ऑफ वैलोरेंट मोबाइल। राइट गेम्स ने वैलोरेंट के 1 ईयर एनिवर्सरी पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी, जो थी वैलोरेंट मोबाइल के ऊपर। जी हाँ, इस चहीते FPS का अब हमें जल्द ही मोबाइल वर्जन भी देखने को मिलेगा। जैसे कि इसका PC वर्जन बना है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ CSGO एंड Overwatch, वैसा ही एक्सपीरियंस आपको मोबाइल पर भी देखने को मिलेगा। इस मुद्दे पर ज़्यादा डिटेल्स तो रिवील नहीं करी गई हैं, लेकिन एना डॉनलॉन जो कि वैलोरेंट की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ये कहा है, "To see our growing player community recognize and appreciate what we are trying to do with Valorant is beyond what we could have expected, and we are thrilled to soon offer the same competitive Valorant experience to even more global players." और इस पर मेरा ये कहना है कि you know what, it's going to be worth the wait. हमारी अगली खबर है PEL 2021 के बारे में, जहां नोवा ईस्पोर्ट्स बन चुकी है सीजन 2 की चैंपियन। फैन फेवरेट नोवा ईस्पोर्ट्स ने 79 पॉइंट्स के साथ PEL 2021 सीजन 2 का खिताब अपने नाम किया। किल लीडर्स की लिस्ट में ऑर्डर और पैराबॉय ने 20 और 19 किल्स के साथ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन अपने नाम की। नोवा के बाद 78 पॉइंट के साथ सेकंड पोजीशन पर आई है LGD। सिर्फ एक पॉइंट से ये लोग खिताब अपने हाथ करने से रह गए। दैट वॉज सो डैम क्लोज। एंड नाउ लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट द विनिंग मोमेंट्स फ्रॉम द फाइनल्स। आज की आखिरी खबर में हम बात करेंगे यूबीसॉफ्ट के बारे में, जो करने जा रहे हैं एक बहुत ज़्यादा मेजर अनाउंसमेंट अबाउट रेनबो सिक्स क्वारंटीन। 2019 में हुए इनिशियल अनाउंसमेंट के बाद फाइनली अब हमें यूबीसॉफ्ट हो सकता है R6 के ऊपर एक बहुत बहुत बड़ा अपडेट दे इन दी अपकमिंग E3। जून 12 को होने वाले इस अनाउंसमेंट में यूबीसॉफ्ट माइट बी ड्रॉपिंग अ न्यू ट्रेलर और सम गेम प्ले फुटेज। स्पेकुलेशन ये भी है कि हो सकता है गेम का नाम भी चेंज किया जाए, क्योंकि करंट सिचुएशन को देखते हुए जो कि पैंडेमिक की चल रही है, क्वारंटीन माइट बी अ लिटिल इनसेंसिटिव। आज के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में और ढेर सारे कंटेंट के साथ। एंड टू मेक श्योर यू गाइस डोंट मिस इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड ऑल्सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। स्टे इन, स्टे सेफ, बाय बाय।